013 च या 12 च ऐदनामा होया सी इंडिया पाकिस्तान च कि ऑन अराइवल वीज़ा दिता जाएगा जे उन्हां लोकां नूं जिन्हां दी उम्र 65 साल तो ज़्यादा होएगी। पर मेरी तो हुण 82 है, वह तो मैं शर्त पूरी करता सी, पर ऑन अराइवल मैं अप्लाई नहीं सी कीता। दिल्ली वाला ऑफर मैं ठुकरा दिता सी, मेरी सेहत दे हिसाब नाल उम्र दे हिसाब नाल मैं जाना पसंद नहीं सी करता। तो आई वॉज श्योर टू बी रिटर्न, लेकिन इन द मीन टाइम जी गलबात हुई हुशियारपुरिया साहब तो उन्होंने अफसर नाल, उन्होंने कहा भाई उन्होंने कोई दोनों लाजवाब करता। उन्होंने दरअसल गल ये हुई भी वह मुकाबला नहीं, दलीलों का जवाब ही नहीं दे सके। फिर एक कहने लगा भी बड़ी यहोजी गल है, तो जो कोई कन्फ्रंटेशन होंगी है तो यहोजी जिद्दी आदमी अवॉइड करो, उतो जाके मुड़ा आएगा जाके वाग्य हो तो असं भेज दें। उन्होंने कहा तुम भेज दो अगे अं कर लेंगे बंदोबस्त। फिर वाग्य की मैंने मुड़न देना सी, क्योंकि उसे पहले ही डिजायरस से भी मैंने एक बार आ जाए सही, तो उसे मैं पार कर गया तो मैंने वीज़ा उन्हें अराइवल मिल गया। इस चीज़ की ज़्यादा हुई है बहस मुबहसा अखबारों में कि ऑन अराइवल जो कभी भी नहीं मिले, भावें संधि कायम है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि 65 साल तो उत्ते बंदे नूं वीज़ा दिता जाएगा ऑन अराइवल, पर प्रैक्टिकली ये अजे अमल च नहीं लिया किसी नूं। ये मैं लकी सी कि मैं अपना पिंड वेखण जाण दी हसरत लई सी, मैं 04 च भावें गया सी दिल्लियों लै के, लेकिन उदों हालात इहो जिहे सी कि मैनूं जाके इत्थे लैंड कीता पिंड दे विच जिधर टपरी वास जे गरीब आदमी सन, बच्चे ही बच्चे, उन्होंने 4 मैरिजिज अलाउ करता उन्होंने कुरान शरीफ साहब, कुरान शरीफ 4 वाइफ रख सकते हैं। तो यानी वो उन्होंने जरूरत तो ज़्यादा मैं देखी, वो साढ़े खेतों में गए तो उत्थे इतफाकन उत्थे वेलना चलन रहा सी गुड़ बनाने वास्ते, मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मायूस भी सी कि कभी मेरे होंगे सी खेत, तो दुनिया के परे पराए घर छड़ के उतों आना पे सानू, तो उत्थे फिर उन्होंने गोड़ा ऑफर किया। बड़ा अच्छा लगा कि मैं 38 का मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/2/1938, तो उस तो बाद उजाड़े पे आ तो अं वापस आ गए सदर। लेकिन मैं बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने लोगों ने बड़े आओ भगत की वेलकम किया।